अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। स्टूडेंट, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल वंदना एजुकेशन सेंटर में। बच्चों, हम लेकर आए वर्कशीट आपकी क्लास 8 मैथ की। मैथ की पूरी वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दिनांक 1/9/2021, ये 1 सितंबर की आपकी वर्कशीट है। इसमें आपका अध्याय 1 चर वाले रैखिक समीकरण है, जिसमें आपको समीकरणों पर आधारित प्रश्न मिलेंगे, इनको आपको सॉल्व करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है। प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, माना कि दूसरी संख्या x है, पहली संख्या 3x होगी, 3 गुनी थी, तो पहली संख्या 3x प्लस 15 हो जाएगी, दूसरी संख्या x प्लस 15, इस तथा x प्लस 15 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 15, 3x प्लस 15 बराबर 2x प्लस 30। ठीक, इस तरीके से आप और सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 2x, x वाले पद एक तरफ आ जाएंगे और आपके काउंटिंग वाले सब एक तरफ चले जाएंगे, तो 30 माइनस 15 हो जाएगा। दूसरी संख्या आपकी x प्लस 15 थी, तो इसको निकाल लेंगे तो ये संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, इस तरीके से निकालेंगे तो x बराबर ये आपका 15 आ जाएगा। ठीक, अब पहली संख्या निकालना है, तो पहली संख्या कितनी मानी थी, 3 × 15, तो ये आपकी आ जाएगी 45। दूसरी संख्या आपकी 15 हो गई, पहली संख्या कितनी होगी, 45। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू आपका दिया गया है, दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 11 है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त संख्या दी गई है, संख्या से 45 अधिक है, दी गई संख्या की मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन है, माना दी गई संख्या कितनी है, इकाई का अंक x है, तब दहाई का अंक कितना हो जाएगा, 11 - x, अर्थात दी गई संख्या अब कितनी हो जाएगी, 11 - x × 10 + x, 110 - 10x + x, 110 - 9x, अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या हो जाएगी, तो इतना आपका आ जाएगा, पूरा लिख लेना है। प्रश्नानुसार आपको पूरा ये सॉल्व कर लेना है। ठीक, ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा 8 और आपका जो दहाई का अंक है वो कितना आ जाएगा, 3, तो ये 8 और 3 संख्याएं निकल आएंगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, दिया की आयु नेहा की आयु की 2 गुनी है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु नेहा की आयु की 3 गुनी थी, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो ये तीसरे का क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, दोनों की आयु ज्ञात करना है। तो माना कि नेहा की आयु x है, दिया की आयु होगी 2x, 10 वर्ष पहले नेहा की आयु हो जाएगी x माइनस 10 और दिया की हो जाएगी 2x माइनस 10। ठीक, अतः 2x माइनस 10 बराबर 3 × x माइनस 10, 2x माइनस 10 बराबर हो जाएगा 3x माइनस 30। x वाले पद एक तरफ कर लेंगे तो x 2x माइनस 10 इंटू 3x प्लस माइनस 10, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो 2x माइनस 10, 3x माइनस 30, तो ये x x वाले एक तरफ कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 30 में 10 गए तो 20 आ जाएगा, नेहा की आयु आ जाएगी 20 और दिया की आयु आ जाएगी 40। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अर्णा एक संख्या सोचती है, वह उसमें से 7/2 घटाकर परिणाम को 6 से गुणा करती है, तब अब जो परिणाम मिलता है वह सीधी वह सोची संख्या का तिगुना है, वह सोची गई संख्या ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन 4
4 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 का आंसर आपको करना है, माना कि सोची गई संख्या x है तो x मान लेंगे, तो 6 × x − 7/2 = 3x, या फिर 6x − 7 × 6/2 = 3x, 6x − 3x = 7 × 3 = 21, x बराबर आ जाएगा 21/3, तो ये आ जाएगा 7। ठीक, सोची गई संख्या कितनी आ जाएगी, 7। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रेखा की माँ की आयु रेखा की आयु की 3 गुनी है, 6 वर्ष बाद रेखा की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की आधी हो जाएगी, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। चलिए आयु ज्ञात करना है, तो 5वें क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से नोट आउट कर लेना है। माना कि रेखा की आयु एक्स है, अतः रेखा की माँ की आयु 3x होगी, तो ये आपकी 6 वर्ष बाद रेखा की आयु हो जाएगी 3x + 6, माँ की आयु हो जाएगी 3x + 6, तो x + 6 = 3x/2, x + 6 = 3x/2, अतः 2 × x + 6 = 3x, या फिर 2x + 12 = 3x, या फिर 3x − x = 12, तो x = 12। इस तरीके से रेखा की आयु निकल आएगी 12 और माँ की आयु निकल आएगी 3x, करनी है 3 गुनी है, ये हो जाएगी 36। ये था आपका क्वेश्चन 5 तक का पूरा सॉल्यूशन। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।